guys, and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Pablo Ruiz Picasso, Spanish painter, sculptor or graphic artist Pablo Picasso, 1881 से लेकर 1973, वेस्टर्न पेंटिंग्स की हिस्ट्री में वह सबसे प्रोडिजियस और रिवोल्यूशनरी कलाकारों में से एक थे। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा में पाब्लो ब्लास्को के घर में हुआ था। जोसी रुइज वाई ब्लास्को यह उनके पिता का नाम था और मरिया पिकासो वाई लोपेज यह उनकी माता का नाम था। उनके पिता स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में प्रोफेसर थे। पाब्लो पिकासो ने अपने नाम के पीछे कलाकार लगाना 1901 से शुरू किया था। 1891 में वह उनके परिवार के साथ ला कोरुना चले गए थे। वहां पर पिकासो ने स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ना शुरू किया और तब उनकी एज तकरीबन 14 की थी। 1897 में पिकासो को मैड्रिड के रॉयल एकेडमी ऑफ सैन फर्नांडो में उन्हें एक एडवांस स्टूडेंट के रूप में उन्हें एडमिशन दिया गया और वहां की एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने सिर्फ एक दिन में कंप्लीट कर ली, जबकि उन्हें एक महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन वहां से पिकासो जल्दी ही बार्सिलोना लौट गए, जहां पर उन्होंने अपने दम पर हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी आर्ट को स्टडी करना शुरू किया। पहली बार वह 1900 में पेरिस गए और फिर थोड़े समय के बाद यानी कि 1901 में वापस से वो पेरिस गए। उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग सिर्फ 9 साल की उम्र में बनाई थी, जिसका नाम था ले पिकाडोर। उनकी पहली पेंटिंग एक एकेडमिक, उनका काम एक फर्स्ट कम्युनियन है, जिसमें एक कम्युनियन पोर्ट्रेट के सामने उनके माता, उनके पिता और एक उनकी छोटी बहन है। पाब्लो पिकासो का पूरा नाम पाब्लो डियागो जोसे फ्रांसिस्को दे पौला जुआना नेपो म्यूजियनो क्रिस्पिन क्रिस्पियानो मारिया रिमाडियोस दे ला सेंटिस्मा ट्रिनिनेड रुइज पिकासो, यह उनका पूरा नाम है। यह सिर्फ उनके अकेले का नाम है और साथ ही उन्हें पाब्लो रुइज और पाब्लो रुइज पिकासो के नाम से भी जानते हैं। 1900 में उन्होंने अपना पहली बार एग्जीबिशन बार्सिलोना में किया था, जिसमें उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट रखे थे और उस शो में 50 से भी ज्यादा पेंटिंग्स थी। 1901 और 1904 के बीच में जो ब्लू कलर था वह उनकी पेंटिंग्स का एक मेन कलर यानी कि एक खास रंग बन चुका था। 1901 और 2 में पेरिस में एक सेंट लजारे की एक वुमेन जेल में थी, जो पिकासो के लिए एक फ्री में मॉडल बन गई थी और उन्होंने फिर कई सारी पेंटिंग्स बनाई। 1902 में क्राउचिंग वुमेन, 1903 में ब्लाइंड मैन्स मिल और 1903 में ही ओल्ड ज्यू एंड बॉय। 1918 में पिकासो ने ओल्गा खोकलोवा के साथ 12 जुलाई 1918 में शादी कर ली और फिर वहां से वह दोनों ही फ्रांस में शिफ्ट हो गए। पिकासो मूर्तियां भी बनाया करते थे। 20th सेंचुरी के एक मेजर स्कल्पचर के रूप में पिकासो की उनकी मूर्तियों के लिए रेपुटेशन उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई, क्योंकि उनकी ज्यादातर मूर्तियां जो है वह उनकी स्टोर रूम में ही थी। 1928 से लेकर पिकासो ने पेरिस में जूलियो गोंजलेज के स्टूडियो में उन्होंने लोहे और सीट मेटल्स की कई सारी मूर्तियां बनाना शुरू किया और फिर चैटो बॉयज गैलुप का उन्होंने एक्वाजिशन किया और वहां पर ही उन्होंने पास में एक मूर्ति कला का उन्होंने अपना स्टूडियो खोला। अपने पूरे जीवन के अंत तक उन्होंने अलग अलग प्रकार के धातुओं से अपनी मूर्तियां बनाना जारी रखा था और पिकासो ने अपने पूरे जीवन में टोटल 50,000 आर्टवर्क बनाए हैं, जिसमें पेंटिंग्स ड्राइंग्स प्रिंट्स स्कल्पचर्स और सिरामिक यह सारी चीजें इसमें शामिल है। यह सारी चीजें उन्होंने बनाई और उनमें से कुछ उनकी फेमस पेंटिंग्स है द ब्लू पीरियड जो 1901 से 1904 तक था, द रोज यानी कि पिंक पीरियड 1904 से 1906 तक, अफ्रीकन पीरियड 1907 से लेकर 1909 तक, क्यूबिज्म एंड कॉलेज यह उन्होंने 1908 से लेकर 1912 तक, नियो क्लासिज्म 1918 से लेकर 1928 तक, सुरालिज्म 1928 से लेकर 1948 तक, यूरेनिका 1937, द ओल्ड गिटारिस्ट 1903 से लेकर 1904 तक, गार्कोन अ ला पाइपे
1905 में, गैर्ट्रूड स्टीन 1905 और 6, लेस दे मॉइसलेज एविग्नॉन यह 1907 में, अ गर्ल बिफोर अ मिरर 1932, द वाइपिंग वुमन 1937। तो यह जो थी पेंटिंग्स, यह उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग्स है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पैब्लो रुइस पिकासो के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।